हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मयंकर, आप देख रहे हैं चैनल इट्स मयंक शर्मा। सो आज की जो वीडियो बना हमारे होने वाली है वो होने वाली है फोर्ट शूट के पोजेस पे, जो कि हम करेंगे अपने घर के अंदर, सॉरी छत पे, टेरेस पे। बिकॉज जैसे कि आप सबको पता कि ये टाइम अभी कोरोना का चल रहा है, तो इसमें बहुत जगह लॉकडाउन लगा हुआ पड़ा है। मैक्सिमम जगह लॉकडाउन हट गया, बट फिर भी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में रहें, सेफ रहें। तो ये वीडियो होने वाली है हमारे पोस्ट के पोस्ट पे, जो कि हम करेंगे पीछे टेरेस पे। और ये वीडियो में हम जितने भी पोस्ट करेंगे वो सब क्लिक होने वाली है हमारे फ़ोन से, तो ये बहुत लोग के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। बिकॉज बहुत लोगों के पास कैमरा नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि कैमरा नहीं होता हम फोटो क्लिक नहीं कर सकते, बट ऐसी बात नहीं, हम अपने फ़ोन से बहुत अच्छे से फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम फ़ोन से फोटो सारे क्लिक करेंगे, जो कि हमें टेरेस पे क्लिक करेंगे। तो मैं इसमें आपको कुछ 10 बेसिक पोजेस बताने वाला हूँ, क्योंकि आप अपने छत पे क्लिक कर सकते हैं अपने फ़ोन से, और साथ ही साथ मैं उसको रिटच करके दिखाने वाला हूँ किसी भी एक पिक को, कि हम सिंपली उसको फ़ोन में रिटच कैसे कर सकते हैं। तो रिटच को देखने के लिए हम अपनी पिक को एडिट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा कि अपनी फ़ोटो को एडिट कैसे कर सकते हैं सिंपल वे में और बहुत ही मस्त, जैसे मैंने वीडियो में कर रखी है। तो इसके लिए बने रहे वीडियो में एंड वीडियो पूरी एंड तक देखना, तब आपको सारे पोजेस एंड वो एडिटिंग ट्रिक पता चलेगी कि कैसे कर सकते हैं अपने पिक को सिंपल वे में बहुत बॉम एडिटिंग। सो चलते हैं वीडियो एंड, और वीडियो में जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, बिकॉज जो नई वीडियो आएंगे उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अब चलते हैं वीडियो पर। अब करते हैं हम अपनी एडिटिंग को स्टार्ट। तो हम चलेंगे स्नैपचैट में, और यहाँ से अपनी जो हमारी मैं फोटो सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, इसको से मैंने सेलेक्ट किया, अब इसे करते हैं एडिट। तो पहले हम चलेंगे टूल के ऑप्शन में, वहाँ से जाएंगे ट्यून इमेज में,
एंड हम इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाएंगे 10, और जैसे कॉन्ट्रास्ट है इसको भी हम करेंगे थोड़ा सा माइनस, एंड जो सैचुरेशन इसको हम प्लस करेंगे 20, और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है एम्बियंस इसको हम बढ़ाएंगे और 50 कर देंगे, हाइलाइट्स भी हम माइनस करके 50 कर देंगे, एंड शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज नहीं इंक्रीज ही सही है, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, हाँ तो मैं 20 कर ले रहा हूँ, एंड वेदर को थोड़ा सा रहने देते हैं, और फिर से हम ट्यून में जाएंगे, सैचुरेशन को बढ़ा के 50 कर देंगे, एंड नेक्स्ट भी बढ़ा के हम 50 कर देंगे, एंड हाइलाइट्स को हल्का सा इंक्रीज कर लेते हैं, एंड अब चल जाते हैं इस ऑप्शन पे यहाँ पे व्यू एडिट पे, एंड ट्यून में जाके हम अब इस पर हम कर क्या करेंगे, जो अपना हमारा फेस और जो हैंड वैंड है इसको हम इरेज कर देंगे, तो मैं जल्दी कर लेता हूँ। सो ये हमारा हो गया, एंड अब इसके बाद हम चलेंगे फिर से टूल के ऑप्शन पे सिलेक्टिव पे, और अब हम करेंगे अपना को थोड़ा सा फेस जो है ब्राइट कर लेते हैं, एंड हाथ वाथ जो भी हमारा इन सबको हम थोड़ा सा ब्राइट कर देते हैं, बिकॉज ज़्यादा डार्क कलर लग रहा है, एंड थोड़ी ब्राइटनेस को ज़्यादा सैचुरेशन थोड़ी सी बिकॉज येलोनेस ज़्यादा हो गई है, तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं उसको, एंड अपने हर बॉडी पार्ट के आप कर सकते हैं यहाँ पर करके, एंड अब क्या था फिर चलेंगे टूल के ऑप्शन पे, और अब जाएंगे पोर्ट्रेट में, एंड यहाँ से हम चूज़ करेंगे स्मूथ टू, एंड स्मूथ इसके थोड़े बढ़ा के स्पॉटलाइट थोड़ा सा बढ़ा देंगे, एंड इसके बाद हमारी जो पिक है थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग कर देते हैं, एंड अब इसके बाद हमारी पिक जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि सबसे अच्छा पोस्ट कौन सा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी और वीडियोस आने वाली हैं। सो चलो मिलते हैं।